महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में चार मुस्लिम लड़कों ने इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानते हुए 8 हिंदुओं के अंतिम संस्कार को अंजाम दिया है। इन चारों लड़कों के नाम अब्दुल जब्बार, शेख अहमद, शेख अलीम और आरिफ खान हैं। ये चारों मुस्लिम लड़के इस कोरोना काल में यवतमाल के शमशान भूमि में दिन रात जाग कर इस सामाजिक कार्य को करने में जुटे हुए हैं। जिस किसी की भी मौत कोरोना से हो रही है, संबंधित परिवार या लोग शमशान भूमि में शव को लाकर छोड़ देते हैं। इन चारों लड़कों को यह भी पता है कि इस शमशान भूमि में आने वाली फिलहाल ज्यादा लाशें कोरोना संक्रमित मरीजों की हैं। बावजूद इसके ये चारों लड़के बेखौफ होकर अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात इस शमशान भूमि में हिंदुओं के आने वाले शवों को हिंदू रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार कर रहे हैं। कोरोना के इस संकट काल में खून के रिश्ते भी दूर हो जा रहे हैं। घर के किसी सदस्य की अगर रिपोर्ट इस समय पॉजिटिव आ जाए तो ऐसे समय में परिवार के बाकी सदस्य चार हाथ की दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस संकट में महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के ये मुस्लिम नौजवान सभी धर्मों से ऊपर उठकर इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानने की मिसाल दे रहे हैं। कोरोना ने महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में कहर बरपा रखा है। अब तक 45,000 से ज्यादा नागरिक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1150 से ज्यादा लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हो गई है। किसी भी परिवार के किसी सदस्य की मौत होती है तो पूरा परिवार सकते में आ जाता है। मौजूदा हालात कुछ इस तरह से हैं कि लोग चाहते हुए भी कोरोना मरीजों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। उसी प्रकार किसी की मौत के बाद भी अंतिम संस्कार में परिवार के लोग बमुश्किल ही नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस प्रकार की लाशों को उचित सम्मान के साथ शमशान भूमि में अंतिम संस्कार करने का जिम्मा इन नौजवानों ने उठाया हुआ है। आपको बता दें कि अब्दुल जब्बार, शेख अहमद पिछले 17-18 सालों से इसी शमशान भूमि में काम कर रहे हैं और इसी के जरिए अपने परिवार का गुजर बसर भी कर रहे हैं। सभी युवक हिंदू धर्म के मुताबिक ही अंतिम संस्कार को यहाँ अंजाम दे रहे हैं। इनका कहना है कि यह सब काम वो अल्लाह पर विश्वास रखकर करते हैं और इस प्रकार के काम को वो आगे भी जारी रखेंगे। तो हम ये जो भी रचाना वगैरह अंतिम संस्कार रचाना, सारा मारना, गोबरी लगा के और गड्ढे खोदना, चाहे बच्चे करो या अफगानी समाज करो या जय जिंग करो, ये सब हम काम कर रहे हैं। नियम के अनुसार जो भी हो रहा है तो सब कर रहे हैं हम। कोरोना के हमने करीबन 802 के आसपास हो गए आज, और ये अभी आए गए और अभी इनके बाद में और लाने गए थे शायद लोग, वो आएंगे फिर और हमको करना पड़ेगा। इसकी घर की डेथ है कोविड की, वो वहाँ बॉडी के पास में आने को तैयार नहीं है। हम हमारी रिक्स उठा के हम बॉडी को पूरी विधि के साथ अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं हम अल्लाह के भरोसे पर कर रहे हैं, क्योंकि करने वाली जात अल्लाह ही है। हमको भरोसा इस चीज़ पे, अल्लाह पे करके हम इतनी रिक्स उठा के ये काम कर रहे हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे मरते दम तक। कोरोना के इस संकट में कोरोना पीड़ितों की मृत्यु के बाद मृतकों को दफनाने के लिए भी या उनके धर्मों के मुताबिक अंतिम संस्कार करने के लिए भी कोई आगे नहीं आ रहा है। ऐसे में प्रशासन ने मृतकों के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी नगर पालिका को सौंप दी है। इसके लिए नगर पालिका ने 2 टीमों का गठन भी किया है, उनके जरिए ही अंतिम संस्कार का ये काम संपन्न किया जा रहा है। ये दोनों टीमें शमशान में दिन रात काम कर रही हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और अन्य धर्मों के अनुष्ठानों के अनुसार ही अंतिम संस्कार को पूरा किया जा रहा है। कब्रिस्तान में शवों को ले जाकर दफनाने और जिला अस्पतालों से हिंदू शमशान भूमि तक शवों को चिता तक लाने का काम प्रशासन सारे नियमों को ध्यान में रखकर कर रहा है। नगरपालिका कर्मचाऱ्यांची एक आम्ही चमू तयार केली, यामध्ये बॉडी आणण्याचं जे काम आहे, मेडिकल कॉलेज पासून बॉडी आणण्याचं काम मोक्षधामपर्यंत आणि त्याच्यानंतर मोक्षधामाची दुसरी टीम आहे, या ठिकाणी आलेले जे मृतदेह आहे त्यांच्यावर अंतिम संस्कार करण्याचं, हे अशा प्रकारचे आम्ही टीम तयार केलेले आहे। समजा इथे हा जो आहे आपण या ठिकाणी उभे आहोत, हे हिंदू मोक्षधाम आहे, अशाच प्रकारे मुस्लिम कब्रस्तान आहे, त्याच्यानंतर पूजा लोकांचं एक कब्रस्तान आहे,
त्याच्यानंतर मग आपलं जे आहे पारसी लोक जे आहे किंवा मग काय म्हणतो ख्रिश्चन लोक आहे त्यांचंसुद्धा स्मशान आहे. या सर्व स्मशानामध्ये आम्ही त्यांच्या त्यांच्या धर्माच्या प्रमाणे त्यांच्या त्यांच्या रीतीप्रमाणे हे अंतिम संस्कार करण्याचं काम गेल्या 25 वर्षापासून करत आहोत. फिर भी जब कोरोना योद्धाओं का नाम सामने आया तो अब्दुल जब्बार, शेख अहमद जैसे युवा जो बहुत ही जोखिम भरे काम को अंजाम दे रहे हैं, वे भी सही मायने में सच्चे कोरोना योद्धा हैं, जो वास्तव में इंसानियत के इस काम में अपनी जान की फिक्र न करते हुए जुटे हुए हैं.